राधा रानी के मंदिर के दर्शन कराएंगे और बरसाना गांव भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से बरसाना गांव में राधा रानी का कहां वास था, कहां उनका मंदिर है और बरसाना का क्या इतिहास रहा है, इसके विषय में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और दिखाएंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ भारत के गांव। भारत के गांव कार्यक्रम में इस समय हम लोग बरसाना में हैं, राधा रानी के दरबार में, राधा रानी के मंदिर के पास, और बरसाना गांव के इतिहास के बारे में आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बरसाना से आप बताएंगे, नाम बताएंगे अपना? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, बरसाना के बारे में बताइए, इस गांव के इतिहास के बारे में बताइए। ये बरसाना है जी, कृष्णान राजा का गांव है। कीरत मैयाई जिनकी पुत्री राधा रानी हुई, इनको हो गए 5200 साल पुराना इतिहास है। 5200 साल पुराना, तो गांव भी इतना ही पुराना है ये? नहीं, और बीच में लोप है, लोप हो लिए बीच बीच में। अच्छा, नहीं
गांव कितना पुराना है? लगभग 600 साल पुराना। 600 साल पुराना गांव, 600 साल पुराना है या 6000 साल पुराना गांव है? नहीं, 600 साल भट्टी नारायण जी, 5500 साल पुराना तो नंदगांव है, 5200 साल पुराना है। हाँ ये बोलो ना, तो बोल रहा हूँ 5200 साल पुराना गांव है, 5200 साल पुराना गांव है। और बताइए इस गांव के बारे में कुछ। राधा रानी का धाम है, यहाँ पर 3 किलोमीटर की परिक्रमा है जी। यहाँ दानगढ़ है, मानगढ़ है, बिलासगढ़ है, भोर साकरी है, गैबरवन है, गोर कोटी है। और क्या फेमस है यहाँ का, यहाँ का क्या मशहूर है? यहाँ का, यहाँ के पेड़े मशहूर है, पेड़े बहुत मशहूर है। और कुछ बताएंगे इसके बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में? ब्रजवासी है यहाँ तो, दूध दही खाते जी, माखन मिश्री का भोग लगता है यहाँ पे राधा रानी के मंदिर में। तो देखिए इनका कहना है कि 5200 साल पुराना ये गांव है, दूध दही खाते हैं, ब्रजवासी हैं, माखन मिश्री खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। तो बरसाना में बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको राधा रानी का मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो अभी हम बरसाना में हैं और गिरधारी लाल पांडा जी के पास इस समय हम लोग बैठे हैं, इनके निवास स्थान पे हैं। हम जानेंगे गिरधारी लाल पांडा जी से कि बरसाने का क्या इतिहास रहा है और क्या बरसाने में फेमस है और बरसाना किस लिए जाना जाता है, तो बताएंगे गिरधारी जी। हाँ जी जी, ये ब्रज भूमि है जी जहाँ आप आए हो जी, और इस ब्रज भूमि में ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसान और नंदगांव। तो ये यहाँ के मेन जो है धामों में, बरसाना धाम में हमारी राधा रानी श्री किशोरी जी प्रकट हुई हैं, पर्वत में ये स्वरूप मिला है जी। और यहाँ मंदिर विद्यमान है, यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त लोग आते हैं और हमारी प्रिया जी के दरबार की अनोखी लीला है। हमारे 8 किलोमीटर पर नंदगांव है और ये बरसाना है। नंदगांव में लाला कन्हैया रहते हैं, हमारे यहाँ राधा रानी रहती है और उनके जाने के बाद हमारे परस्पर दोनों के वही संबंध है, वो उनके लाला है, हमारी लाली है। वो झंडी के रूप में लाला को लेके आते हैं, हम झंडी के रूप में लाली को। यहाँ की लठमार होली बड़ी प्रसिद्ध है, यहाँ की जो है राधाष्टमी बड़ी प्रसिद्ध है, वहाँ की जन्माष्टमी और लठमार होली बड़ी प्रसिद्ध है। सारे उत्सव हरियाली थी श्रावण में, तो श्रावण भादो कार्तिक ये यहाँ के बहुत बड़े त्यौहार हैं और मैन साहब तीनों लोगों के अखंड नायक, ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान जो विश्व को चलाते हैं जी, वो हमारी राधा रानी के चरणों में यहाँ विराजमान है, जनाने के जी चरण सेवा में विराजमान। बहुत बड़ा महत्व है बरसाना धाम का, यहाँ ब्रह्माचल पर्वत इस पर्वत पर विराजमान है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, मोरकुटी। राधा रानी ने लीला की है, गहबरवन, साकरी घोर, परिक्रमा मार्ग, अद्भुत है एक बरसाना। ब्रज में जो आप देख रहे हो एक पुष्पक विमान की तरह तो निज महल है, आप देखोगे सारी बात है। तो बरसाना धाम
अपार है, इसमें विश्व जानता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आय का साधन है, लोगों की आय का साधन क्या है यहाँ पर, जैसे खेती बाड़ी भी होती है या पशु भी होते हैं या व्यापार है, क्या प्रमुख यहाँ का साधन क्या है यहाँ के लोगों के? देखो यहाँ सातों जाति विराजमान है जी, खेती भी है, पशुओं का भी है जी, व्यापार दुकानदारी भी है, विश्व का लोग यहाँ आता है, मंदिरों की भी आमदनी बहुत विशेष है जी, तीर्थ प्रोताई भी है, सारे का कार्य से काम जी। और क्या फेमस है यहाँ की, क्या चीज़ विख्यात है यहाँ की, फेमस क्या चीज़ है यहाँ की? तो साहब मिठाइयों में तो रबड़ी फेमस है। अच्छा अच्छा, और असली तो श्री जी के धाम की हर वस्तु है। अच्छा, यहाँ से हम लोग कलकत्ता बम्बई कहीं भी जाते हैं ना, तो राधा नाम पर ही इतना मान सम्मान मिलता है कि जिसकी कोई जी। और विदेशी लोग सब लोग आते हैं, अब तो यहाँ व्यापार भी बढ़िया चलता है भाई, बाहर के भी लोग आते हैं तो खाना पीना खरीदना सारे ही काम होते हैं, खुशहाली है। तो देखिए गिरधारी जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से बरसाना जो है एक संपन्न गांव है और बहुत ही बड़ा गांव है, विख्यात गांव है, प्राचीन परंपरा यहां की रही है, राधा रानी का गांव है, बगल में भगवान कृष्ण का नंद गांव है, तो राधा रानी का गांव और नंद का गांव दोनों पास पास है, सिर्फ 7 किलोमीटर का बीच में फ़र्क है, और यहां पे जो है हर प्रकार से जो है देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, ये बड़ा ही विख्यात धाम है। तो देखिए अभी आपको मंदिर के भी हम लोग दर्शन कराते हैं। और एक विशेषता है, तीनों लोकन का तत्व एक ब्रज लोक देखा, और ब्रजहु का तत्व श्री वृंदावन धाम है, धामहु को तत्व वहाँ के गोपी गोपाल चित्त, और गोपालहु का तत्व एक गाय पालन काम है, कामहु का तत्व एक काम जीत कृष्ण नाम, और कृष्णहु को तत्व श्री राधा एक नाम है, तत्वों का तत्व है जो आप यहाँ विराजमान। राधे 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 राधे। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव। यहाँ से शुरुआत होती है राधा रानी के मंदिर की, और यहाँ सीधी राधा रानी के मंदिर में पहुँचती है, तो अभी हम दर्शन करने के लिए राधा रानी के दरबार में पहुँच रहे हैं। मेरो है बरसाना, राधा रानी के दरबार में जाते हुए देखिए लगभग ये 300 सीढ़ियां हैं जो नीचे से राधा रानी के मंदिर तक जाती हैं, 300 सीढ़ियां। इसके अलावा आप जो है गाड़ी के द्वारा मोटरसाइकिल के द्वारा भी जा सकते हैं, जो कि दूसरा रास्ता है। राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, ओ राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है।
आस भरोसे कुंवरी सोवत मेरी है। अभी हम बरसाना में हैं और राधा रानी के दरबार में हैं। आप भी देखिए, राधा रानी बिल्कुल सामने विराजमान है। और बरसाना के अंदर आपने देखा, हमने बरसाना के इतिहास के बारे में, बरसाना के कल्चर के बारे में, बरसाना की संस्कृति के बारे में अभी आपको दिखाया। और आगे भी इसी प्रकार से चल कर के भी आपको बरसाना गांव किस तरीके से, कितना भव्य विशाल और पौराणिक गांव है ये, और इस गांव के बारे में पूरा आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और आप भी दर्शन कीजिए राधा रानी के और हमारे इस मेरा भारत के गांव, भारत के गांव, ये कार्यक्रम जो हम आपके बीच लेकर के आए हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको लगातार भारत के गाँव से परिचय कराते रहेंगे। और जिस प्रकार से आज हमने अपने प्रथम एपिसोड में ये दिखाया कि बरसाना और नंदगांव, नंदगांव और बरसाना जो कि मात्र 7 किलोमीटर के अंतराल पे स्थित हैं और ये ब्रजभूमि में है, उत्तर प्रदेश इसके मथुरा में है, और राधा रानी के दरबार में साक्षात अभी हम हैं। दर्शन किए, देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। बरसाना आए और राधा रानी के दरबार आए और यहाँ की अगर लस्सी ना पिए तो बहुत ही गलत होगा। बहुत फेमस लस्सी है और अच्छी लस्सी यहाँ पे मिलती है। जब यहाँ पर आएँ तो लस्सी का स्वाद अवश्य लें। देखिए कितनी स्वादिष्ट लस्सी यहाँ पे तैयार हो रही है। बताएंगे इस लस्सी के बारे में कुछ राधा रानी के दरबार। राधा रानी के दरबार में प्रसिद्ध लस्सी होता है राधा रानी का धामका, नंदगांव बरसाना दुर्गई का खाना सबसे मेन प्रसाद होता है किशोर जी का, जिसमें राधा रानी का धाम आए, बरसाना धाम आए, बड़ी चौरासी कोस का यात्रा किया सब। जब तक ये व्रत का लस्सी नहीं लिया तो उसके बिना तो अधूरा है राधे राधे यात्रा। जिसने किसी ने भी लस्सी खाया तो सब लोग राधे राधे जरूर करते। बरसाना के कीर्ति मंदिर में आए हैं और आप भी दर्शन कीजिए, कितना सुंदर ये कीर्ति मंदिर है। बरसाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बहुत ही भव्य विशाल मंदिर है, ये कीर्ति मंदिर कहलाता है बरसाना के अंदर। देखिए सुंदरता है इस मंदिर के अंदर। Oh, 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 oh
दर्शकों, अभी आपने देखा कि आपको हमने बरसाना के बारे में सारा दिखाया, बरसाना में राधा रानी के मंदिर के दर्शन कराए और बरसाना की संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में आप लोगों को दिखाया और इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। देखिए कितनी भीड़ थी और इतनी भीड़ के बावजूद भी हमने आपको मंदिर के पूरे दर्शन कराए हैं। ये एपिसोड आपको हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।